स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दिव्यन संस डेयरी फार्म पे। और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के सामने जो हमारे मित्र देश जो बगल के नेपाल हैं वहाँ से आप लोगों को एक डेयरी फार्म का विजिट करवाते हैं। और हम यहाँ आए थे अपने मित्र के साथ घूमने के लिए, तो यहाँ एक ऐसे क्रॉस ब्रीड का जो है ना सो फार्म दिखा। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम कहीं भी निकलते हैं और पशु प्रेमी जो दिखे उनसे मेरी बात हो या उनके पास जो प्रॉब्लम है उसको जाने, वहाँ क्या लॉस प्रॉफिट चल रहा है उस चीज़ को समझे। तो इस चीज़ को जानने के लिए इनके जो डेयरी फार्मर हैं, जो इनके संचालक हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी और मिलवाते हैं हम जो फार्मर हैं यहाँ के जो डेयरी संचालक हैं उनसे भी। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और जहां तक देखते हैं जो भी गाय है यहां की वो खाने की रुचि काफ़ी रखती है और यहां पे अधिकांश HFE है। और हमारे यहां अभी गर्मी भी है, तो मिलते हैं यहां के जो डेयरी फार्मर है जो इस फार्म के मालिक हैं उनसे। भाई साहब आप कहाँ से हैं, कौन सा जगह है? ये नेपाल पड़ता है, इंडिया का बॉर्डर। अच्छा, तो इंडिया का, इंडिया से कितना दूर है? 4-5 किलोमीटर। आपके गाय में अमूमन क्या प्रॉब्लम आता है यहाँ? बस गर्मी का मौसम है, अभी दूध थोड़ा कम है। यहाँ किस रेट में दूध सेल हो जाता है नेपाल में? 60 रुपये लीटर। 60 रुपये लीटर। तो दूध बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक ठाक है। ब्रीडिंग इसको खिलाते क्या हैं आप? बस वही चोकर खिलाते हैं, थोड़ा गुल्ली खिलाते हैं, भूसा सूखा हरा चारा। तो मिल्क जो प्रोडक्शन होता है गाय की, जो एक लिमिट होता है कि इस गाय का ये अधिकतम दूध होना चाहिए, क्या इस डाइट पे उतना दूध मिल पाता है आपको? वो तो मौसम के हिसाब से करते हैं, मौसम अभी तो इतना है नहीं अच्छा कि जहाँ तक देख सकते हैं आपकी यहाँ गाय ब्रीड वाइज अच्छी है, लेकिन हरा चारा का प्रबंध फार्म पे नहीं ही है। और हरा चारा का बहुत बड़ा योगदान होता है फार्म में और गाय काफ़ी हेल्दी है। गाय फिजिकली देखने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल डाउन वे में जा रही है या कुछ अच्छा ब्रीड नहीं है।